राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण ज्ञान यज्ञ की जय जय श्री राधे। बड़ा अद्भुत कीर्तन हुआ। उस कीर्तन में भक्तों की श्रद्धा को, उनके प्रेम को देखकर भगवान से रहा नहीं गया। ठाकुर जी प्रकट हुए। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, उस कीर्तन के मध्य में भगवान आ गए। भगवान जब प्रकट हो गए तो भगवान के दिव्य रूप को देखकर सभी भक्त उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम करने लगे। भगवान ने कहा, भक्तों, तुम्हारे इस कीर्तन से, तुम्हारे इस भक्तिमय अनुष्ठान से मैं प्रसन्न हूं। वरदान मांगो, क्या चाहिए, क्योंकि तुमने अपने प्रेम लक्षणा भक्ति के द्वारा मुझे खरीद लिया। भगवान की कथा में, भगवन नाम संकीर्तन में जो प्रेम से भगवन नाम संकीर्तन करता है, भगवान के प्रेम में डूबकर जो नृत्य करता है, दिखाने के लिए नृत्य नहीं, मैं नृत्य का विरोधी नहीं हूं कथा में, और अनुरोधी भी नहीं, मध्यम मार्ग है। स्वतः हृदय में प्रेम जागृत हो और भगवान की कथा में, भगवत प्रेम में कोई नृत्य करता है तो वो गुण है, वो धर्म है। लेकिन जो लोग कथा में नाटक करने के लिए नाचते हैं, थोड़ी सी बात भई तो उठ करके तुरंत कूदने लगे, ऐसे लोगों का तो नाच देख करके गुस्सा ही लगता, मेरा दिमाग खराब रहा। भक्ति का पाखंड मत करो। जब तुम्हारा मन नाचे, बुद्धि नाचे, हृदय नाचे, रोम रोम नाच जाए तो फिर पता चल जाएगा कि तुम कैसे नाच रहे हो, सब दिखेगा। कहते हैं, स्वयं भगवान कहते हैं, गीत्वा च मम नामानि नृत्यन्ति मम सन्निधौ। मेरे नाम का उच्चारण करते हुए मेरी सन्निधि में जो नृत्य करता है, गीत्वा च मम नामानि नृत्यन्ति मम सन्निधौ, तेषामहं परिक्रीतो नान्यत् प्रीतो जनार्दन। वो भक्त मुझे खरीद लेता है, जिस परमात्मा को दुनिया की कोई ताकत खरीद नहीं सकती, दुनिया की कोई धन संपत्ति देकर के भगवान को नहीं खरीद सकता। कोई कितना धन देगा, धन की अधिष्ठात्री तो उनकी पत्नी ही है, कितना धन दोगे। लेकिन भगवान कहते हैं, भक्त प्रेम से मुझे खरीद लेते हैं और ऐसे प्रेमी भक्तों के हाथ में बिक जाता हूं। भगवान ने कहा, मैं प्रसन्न हूं तुम्हारे कीर्तन से, तुम्हारी इस भक्ति से, वरदान मांगो, क्या चाहिए। तो सभी भक्तों ने, उद्धव, ध्रुव, प्रहलाद, अर्जुन, ब्रह्मा, शंकर, सुखदेव, सब तो थे वहां पर, कोई वीवीआईपी नहीं बचा था, सब थे वहां पर, सब एक से एक दिव्य महापुरुष लोग विद्यमान थे। और सब लोगों ने भगवान से एक ही बात कहा। क्या कहा? सबने कहा, हे प्रभु, जिस प्रकार आपने हमारा मनोरथ पूर्ण किया, हमारी कथा में आप पधारे, इस उत्सव को दिव्य बनाने के लिए आपका दिव्य दर्शन हमें मिला, आपका आविर्भाव हुआ, उसी प्रकार कहीं भी दुनिया में आपके भक्त कीर्तन करें, भजन करें, कथा करें, दिव्य भक्तिमय अनुष्ठान हो, तो वहां भी आप कृपा करके ऐसे ही पधारते रहना, यही वरदान आप हमको दे। यही वरदान उन भक्तों ने भगवान से मांगा। उतने भक्तों के सामने भगवान ने यही वचन दिया कि मैं जरूर जाऊं। इसलिए बंधुओं, जहां पर भागवत की कथा होती है, भगवान की कथा होती है, भगवान के नाम का संकीर्तन होता है,
भक्तिमय अनुष्ठान होता है वहां पर किसी न किसी रूप में भगवान जरूर विद्यमान रहते हैं, किसी न किसी रूप में भगवान वहां जरूर आते हैं, क्योंकि भगवान ने यह वचन दिया है उन भक्तों को कि मैं जरूर जाऊंगा। तो बंधुओं, कथा में ही भगवान की अनुभूति होती है, कथा में आकर के ही हम भगवत तत्व का अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि यहां भगवत तत्व प्रस्फुरित होता है। इसीलिए भक्तों ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप भी मेरे कीर्तन में पधारो। आनमदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में, आनमदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में, आनमदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में, आनमदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में। कीर्तन में हरि, कीर्तन में, कीर्तन में हरि, कीर्तन में, आनमदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में, आनमदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में। आप भी आना संगे राधा जी को लाना, 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 आकर राज रचाना हमारे हरि कीर्तन में, आकर राज रचाना हमारे हरि कीर्तन में, आनमदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में, आनमदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में। आप भी आना संगे गोपियों को लाना, 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 आकर बंसी बजाना हमारे हरि कीर्तन में, आकर बंसी बजाना हमारे हरि कीर्तन में। हेलो, आप भी आना संगे अर्जुन को लाना, आप भी आना संगे अर्जुन को लाना, गीता ज्ञान सुनाना हमारे हरि कीर्तन में, गीता ज्ञान सुनाना हमारे हरि कीर्तन में, आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में, आना जी को लाना, आप भी आना संगे सीता जी को लाना, आप भी आना संगे सीता जी को लाना, आप भी आना संगे सीता जी को लाना।
पुराण के उत्तरखंड में श्री वेद व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा को 6 अध्याय में सुनाया, जिसका हम सभी लोगों ने अपनी गति और मति के अनुकूल चिंतन किया। श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा है। भगवान कहते हैं कि इस कथा को जो कहता है और इस कथा को जो सुनता है, मत कथा वाचकम नित्यम मत कथा श्रवणे रतम, जो मेरी इस कथा को सुनाता है और श्रवणे रतम जो इसको सुनने में रत रहता है, मत कथा प्रीति मनसम, जो मन से इस कथा से प्रेम करता है, नाहम त्यक्षामि तम नरम, ऐसे व्यक्ति का मैं कभी त्याग नहीं करता। ये भगवान का वचन ही हमारे आपके लिए भरोसा है, आश्रय है। भगवान कहते हैं जो मेरी कथा कहता है, जो मेरी कथा सुनता है और जो मेरी कथा से प्रीति करता है, उसका मैं कभी त्याग नहीं करता। तो बंधुओं, भगवान की कथा सुनने वाले, सुनाने वाले, प्रीति करने वाले भगवान के अपने हैं। ठाकुर उनका कभी त्याग नहीं करते, भगवान उनका कभी त्याग नहीं करते। बंधुओं, इसके बाद वर्णन है कि श्री सूत जी महाराज ने शौनकादि मुनियों को नैमिषारण्य में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई। सबसे पहले मंगलाचरण में सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान किया, सत्यम परम धीमहि, और फिर प्रतिज्ञा सुनाई वेदव्यास जी की। वेदव्यास जी कहते हैं इस पुराण में विशुद्ध परम धर्म का मैं निरूपण करूंगा। और इसके बाद शौनकादि मुनियों ने सूत जी को प्रणाम किया और प्रश्न किया। 6 प्रश्न किए हैं। पहला प्रश्न है किम श्रेय। शौनक जी ने पूछा श्रेय क्या है। श्रेय माने कल्याणप्रद, जो सब काल में कल्याणमय हो उसको श्रेय कहते हैं। जो आज कल्याणप्रद हो, कल कल्याणप्रद न हो, बोले वो प्रेय होता है, वो श्रेय नहीं होता। जो वस्तु आज हमको अच्छी लग रही है, हमारे लिए हितकारी है, कल कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए कि वही वस्तु हमें अच्छी न लगे और हमारे लिए वो हितकारी न हो, तो उस वस्तु को क्या कहेंगे। बोले वो वस्तु प्रिय थी, उतने दिनों तक प्रिय थी, उसके बाद फिर वो प्रिय नहीं रही। लेकिन जो पहले भी प्रिय थी, आज भी प्रिय है और बाद में भी प्रिय ही रहे, जो पहले भी हमारे लिए कल्याणप्रद थी, आज भी कल्याणप्रद है और आगे भी कल्याणप्रद होगी, उस वस्तु को श्रेय कहते हैं, वास्तविक कल्याण। तो पहला प्रश्न यही पूछा किम श्रेय, मनुष्य के जीवन में श्रेय क्या है। और दूसरा प्रश्न किया शास्त्र सारह कह, समस्त शास्त्रों का सार क्या है। तीसरा प्रश्न स्वावतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है, भगवान अवतार क्यों लेते हैं। तीसरा प्रश्न किया शौनक जी ने किम कर्म, अवतार लेकर के भगवान ने कौन कौन से कर्म किए। और पांचवा प्रश्न किया केवताराश्च, भगवान के कितने अवतार हुए। और छठवां प्रश्न किया कि धर्म कम शरणम गता, धर्म किसकी शरण में रहता, धर्म का आश्रय कौन है। ये छठवां प्रश्न। इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर में
श्री सूत जी महाराज ने शौनकादि मुनियों को पूरी भागवत कथा सुनाई। पहला प्रश्न श्रेय क्या है, दूसरा प्रश्न शास्त्रों का सार क्या है, तीसरा प्रश्न भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है, चौथा प्रश्न अवतार लेकर के भगवान करते क्या है, और पांचवा प्रश्न भगवान के कितने अवतार हुए, और छठवां प्रश्न कि धर्म किसकी शरण में रहता है, धर्म का आश्रय क्या है। इन्हीं छह प्रश्नों का उत्तर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है, संपूर्ण कथा। सर्वप्रथम श्री सूत जी महाराज ने भगवान नारायण को, नर को, देवी सरस्वती को और व्यास को प्रणाम करके कथा प्रारंभ की। नारायणम नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। और सूत जी ने कहा, हे मुनियों, मनुष्य अपने जीवन में जितना भी धर्म करता है सुंदर ढंग से, दान पुण्य यज्ञ तप तीर्थ, इन सारे धर्मों का वास्तविक फल क्या है। बड़ी अच्छी बात कही है सूत जी, कहते हैं, धर्म स्वनिष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यह नोत्पादये यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। व्यक्ति ने अपने जीवन में बड़े सुंदर ढंग से धर्मानुष्ठान किया, संध्या वंदन जप तप तर्पण तीर्थ सब कुछ किया, लेकिन इन कर्मों का वास्तविक फल यह है कि ये सब कर्म करते हुए तुमको भगवान की कथा में प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। सूत जी कहते हैं, नोत्पादयेत यदि रतिम, सारे धर्म आपने नियम से किए लेकिन सब धर्म कर्म करने के बाद भी भगवान की कथा से आपको प्रेम नहीं हुआ, भगवान की कथा आपको अच्छी नहीं लगती, कथा सुनने में मन नहीं लगता, तो सूत जी कहते हैं तुमने जितना कुछ किया जीवन में केवल श्रम किया, परिश्रम किया, उसका फल तुमको नहीं मिला। श्रम एव ही केवलम, केवल तुमने श्रम किया, अर्थात भगवान की कथा समस्त धर्म कर्मों का फल है। कहते हैं, शृण्वताम स्वकथाम कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तन हृदयंतः स्थुतो ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत सताम। जो व्यक्ति भगवान की कथा को सुनता है उसके हृदय में कथा के माध्यम से भगवान प्रवेश करते हैं, और करते क्या है, बोले उसके हृदय के जितने दोष हैं विधुनोति, उनका सबका धुन्नन कर देते हैं, उसके जीवन के सारे कलमश को भगवान मिटा देते हैं। और फिर भगवत उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नैष्ठिकी, भगवान की कथा सुनने से भगवान के चरणों की नैष्ठिक भक्ति उसके हृदय में उत्पन्न हो जाती है, उसके जीवन के दोष समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद श्री सूत जी कहते हैं, मुनियों, मोक्ष चाहने वाले प्राणी को तो भगवान की ही भक्ति करनी चाहिए, मोक्ष देने का अधिकार तो भगवान नारायण को है, और भगवान नारायण, भगवान श्री राम, भगवान कृष्ण, भगवान नरसिंह, ये भगवान के जो दिव्य रूप हैं, इन्हीं रूपों की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि चारों वेद, यज्ञ, तीर्थ, तप, ये सब भगवान वासुदेव की महिमा का ही वर्णन करते हैं। ज्ञान न होने के कारण कोई व्यक्ति मान ले कि ये देवता बहुत बड़े हैं, इन देवता की पूजा से हमारा सब काम बन जाएगा, लेकिन उसका वो भ्रम है, और ये भ्रम तो इतने उच्च कोटि तक पहुंच चुका है देश में कि लोग साईं जैसे व्यक्ति को भी भगवान मान करके बैठ गए हैं, लगता उनका सब काम अब साईं ही कर देंगे, साईं की भक्ति में लगे। लेकिन सच्चाई ये है कि चारों वेद, छह शास्त्र, 18 पुराण एक स्वर से परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री हरि का गुणगान करते हैं, वही परम तत्व है, वही